नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, अगले साल शुरू होगा अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराते हुए सोमवार को कहा कि 2017 से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। विहिप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री करुणा प्रकाश ने विहिप के पूर्व संरक्षक अशोक सिंघल के निधन के बाद दिल्ली में पहली बार आयोजित प्रांतीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सिंघल ने मंदिर निर्माण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और अब राम मंदिर बनाकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। मोहाली में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान और चीन में बनी 2 AK-47 बरामद। पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमले के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस कड़ी में मोहाली पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल के सिम कार्ड, 2 AK-47 राइफल और 5 पिस्टल बरामद हुए हैं। ये हथियार पाकिस्तान, चीन और ब्राजील में बने हैं। अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर खरड़ सनी एनक्लेव से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। लद्दाख में हिमस्खलन, सेना के 4 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी में हिमस्खलन की चपेट में आकर सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि हिमस्खलन की कोई चेतावनी पहले से जारी नहीं की गई थी, लेकिन इस आपदा ने कल रात परतापुर नुब्रा के निकट 4 जवानों की जिंदगियां ले ली। सूत्रों ने बताया कि यह दुर्घटना दक्षिणी ग्लेशियर में उस समय हुई जब जवान चौकी पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। लोडा समिति ने BCCI के लिए आमूलचूल सुधारों की सिफारिश की। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोडा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे BCCI के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की, जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिए उम्र और कार्यकाल की समय सीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है। चीन की सुनामी में डूबा शेयर बाजार, सेंसेक्स 538 अंक टूटा। चीन के बाजारों में तकरीबन 7% तक की बड़ी गिरावट और घरेलू स्तर पर विनिर्माण गतिविधियों में 25 महीने बाद आई गिरावट के हतोत्साहित सहित निवेशकों की चौतरफा बिकवाली के दबाव में सोमवार को शेयर बाजार 2% से अधिक टूटकर करीब 2 सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ। BSE का 30 शेयर वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 22 सितंबर के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी 537.55 अंक की गिरावट लेकर 25,623.35 अंक और NSE का निफ्टी 171.90 अंक टूटकर 22 दिसंबर के बाद पहली बार 7,800 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे 7,791.30 अंक पर बंद हुआ। आसाराम की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी पर सोमवार को अदालत में भाजपा नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने बहस की तथा न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण कर फैसला 8 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया। जोधपुर जिला में सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास के समक्ष पैरवी करते हुए स्वामी ने तर्क दिया कि इस मामले में सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है तथा इनसे पूछताछ भी पूर्ण हो चुकी है। पुलिस ने आसाराम को 31 अगस्त 2014 को इंदौर स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार किया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।